अब अपन को क्या करना, अपन को लेफ्ट आई बनानी है। तो लेफ्ट आई ये देखो, इसकी जो टिप है वो इस पॉइंट से थोड़े ही ऊपर है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये रही, अब कितना ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं लेना कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट ले लो, ये ले लो, एक हिसाब ले लो कि बीच में जो है ये 0.9 सेंटीमीटर होगी, तो सेंटर में लगभग लगभग यहाँ से निकलेगी आई अपनी, ठीक है। और एंड में जाके जो है, एंड में जाके कहाँ पे हो रहा, एंड में जाके है 1 सेंटीमीटर, ओके। तो अब आई का जो शेप है, मैंने क्या बोला, पीछे जो जा रहा वैसे शेड होते हुए जा रहा, यहाँ पे आया, यहाँ से निकलेगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे टिप आ गई। देखना ये थोड़ा सा फ्लैट है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं है, ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व। अब ये देखो कि ये जो नीचे वाला कर्व है वो ऊपर वाले कर्व से कितना नीचे है, तो वो निकलता है 0.5 सेंटीमीटर। सेंटर पे देखा और टिप पे नहीं देखा, वो टिप तो अपनी वही वी शेप आती है ऐसी, थोड़ी पॉइंटेड सी वी शेप आई। यहाँ पे देख सकते हो ये बाइट वाला पोर्शन यहाँ खत्म हो रहा है, कितने सेंटीमीटर दूर हो रहा है, खत्म 0.3 सेंटीमीटर दूर खत्म हो रहा है। यहाँ पे अपन अगर 0.3 सेंटीमीटर मार्क करें तो यहाँ तो अपनी आई जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से निकल रही है और यहाँ पहुंच रही है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे धीरे धीरे कर्व कर लो और यहाँ लाके ज्वाइन कर दो, ठीक है। यहाँ से नीचे कर्व करो और यहाँ लाके ज्वाइन कर दो, ओके। हल्का सा ये थोड़ा ऊपर वाला, इतना ज्यादा स्ट्रेट नहीं है, इससे थोड़ा सा कर्व कर लो, ऐसे हल्का और हल्का सा होना चाहिए, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। अगर ये नीचे की तरफ थोड़ी चली गई रहता ना, थोड़ी कोरियन लोगों की आंखें इस तरीके से। और अब नीचे वाला एक कर्व आएगा, आईलैशेस वाला, ओके। और एक ये ऊपर की तरफ जा रही है पेपर के टुकड़े से निकल के यहाँ तक, बस हल्का हल्का रहेगा। और ये फिर ये नीचे जो सूजा हुआ पार्ट रहता है ना, एक और कर्व, ये तो ऐसे बहुत ही स्पेसिफिकली नहीं बनाना है, ठीक है। बहुत लाइटली लाइटली से ड्रॉ करो, ऐसे डार्क से ड्रॉ नहीं कर देना, ठीक है। यहाँ पे आईलैशेस अपन बाद में बनाएंगे, ठीक है। हल्के हल्के बना लो अभी, ऐसे हल्के हल्के बाहर की तरफ निकलते हैं ताकि पता रहे कि यहाँ पे आईलैशेस बन गए। फिर आयरिस पे आ जाओ, आयरिस एक चीज ये देख लो कि कितनी विड्थ है इसकी, आयरिस ऊपर वाले पॉइंट्स, ठीक है, वो है 0.9 सेंटीमीटर, ओके। 0.9 ये ना, 0.9 है, तो वही मैं मार्क करूंगा, यहाँ से लेके 0.9 यहाँ तक आ रहा है। मैं कर्व करना स्टार्ट किया, अब एक बात ध्यान रखना, कर्व बाहर की तरफ नहीं जाएगा, पहले अंदर की तरफ आएगा। कर्व करके आया, एक बात ध्यान रखना, लास्ट टाइम गलती कर दी थी, बाहर की तरफ ले आ जाएगा, धीरे से अंदर आना चाहिए, ओके। और ये जैसे आयरिस बनाई थी, अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, थोड़ी लेफ्ट राइट हो जाती है, तो तुम्हें एकदम सेंटर पे रखना है ताकि दोनों आंखें जो है अलाइनमेंट में रहे, आराम आराम से बनाओ। और ऐसा नहीं कि ये इसका प्यूपिल बड़ी है, इसकी प्यूपिल छोटी है, ठीक है, ये हुआ। तो इस तरीके से आय बनती है हल्की हल्की, तो लेफ्ट आई इस तरीके से हो जाती, इतना बना लो। आईब्रोज देखो, अब आईब्रोज क्या है, असल में हल्का हल्का लेके आना है अपन को, ठीक है। यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे यहाँ ऊपर की तरफ आया, ये मेजरमेंट लेने हैं तुम लोग को, ठीक है। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, हल्का हल्का सा आया, ठीक है, ये आउटलाइन आ गई। अब इसके अंदर की जो एक ग्राफ है वो इरेज कर लो, ठीक है। हल्का हल्का आउटलाइन, कोई डार्क नहीं देगा, मैं पहले बता रहा हूँ, गलती करोगे आउटलाइन इसकी तरह डार्क दे दोगे, ये अलग है, ये हाइपर रियलिस्टिक है, ये सिंपल शेडिंग है, सिंपल शेडिंग में इतने आप डार्क आउटलाइन नहीं देते। यहाँ से अब आईब्रोज जो है, ऐसे बिखरे बिखरे बाल जो है बनाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। बिखरे बिखरे बाल इस तरीके से थोड़े, और घने नहीं बनाने एकदम, ठीक है। इसमें डेंस नहीं है, लेफ्ट साइड देखो ध्यान से, इसमें बाल डेंस बिल्कुल नहीं है, तो अपन को भी नहीं बनाने। इसमें थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसे जा रहे पीछे की तरफ जाने लग गए अभी, जैसे इसने आयरिस को क्रॉस करा ऐसे, यहाँ पे ऊपर तक जा रहे हैं ऐसे, थोड़े बिखरे हुए से दिख रहे हैं, यहाँ पे मुड़ रहे, ओके। अब यहाँ पे पीछे पीछे कम होने लगे, पीछे से आगे आएंगे अब थोड़े, ठीक है। ये बाल जो है वो थोड़े एकदम रैंडम से नहीं आ रहे, ठीक है, तुम्हें एक एक बाल कॉपी करके बनाना है डिफरेंस से,
जितना ज्यादा रेफरेंस को कॉपी कर सकते हैं, जैसे ऊपर की तरफ वाले आ गए, नीचे से जा तो रहे हैं लेकिन अभी पीछे से नीचे की तरफ वाले आए, तो हल्के हल्के इस तरीके से आईब्रोज बन जाते हैं, तो इतना बना दो। तो नोज के बेस का मेजरमेंट लेंगे अपन, ठीक है, नोज का बेस कितने ऊपर है इस लाइन के, वो निकलता है 0.6 सेंटीमीटर, तो मैं 0.6 सेंटीमीटर में मार्क लगाऊंगा, ओके, और पूरे पे ऐसे एक लाइन से खींच दूंगा। तो ये क्या बताता है कि मेरा जो बेस है वो इस लाइन पे लाई करता है। अब बेस यहाँ देखो कितना है, इस लाइन पे इधर से कितने दूर है ये पता चला मुझे 1.1 सेंटीमीटर, और यहाँ से पता चला 0.3, तो 1.1 और 0.3, तो 1.1 और 0.3, ठीक है। यहाँ अब एक चीज ध्यान रखना, ये तुम लोग गलती करोगे, ध्यान से सुन लो, तुम ऐसे लाओगे और ऊपर पॉइंटेड निकाल दोगे, इसमें पॉइंटेड नहीं है, इन पॉइंट्स का मतलब ये है कि इन्हें टच करने से पहले वो ऊपर की तरफ कर्व हो गई नोज, ठीक है। तो नोज का बेस देखो, यहाँ पे नोज की नॉस्ट्रल देखो, ये है 1 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाया, मतलब इस कागज का जो टुकड़ा है इसके नीचे आ रही है ये, ठीक है। ये वाला जो शेप है ये भी उल्टा भी दिख रहा ना अपन को, ये है 1 पॉइंट, ये है 1 सेंटीमीटर ऊपर, और इस लाइन के है ये 0.7 सेंटीमीटर राइट, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर और 0.7 सेंटीमीटर राइट यहाँ। तो अब देखो कैसे बनाना है, ध्यान दो इधर, ठीक है, तुम्हें कर्व यहाँ से स्टार्ट करना है, इन दोनों को टच करने से पहले ही तुम्हारे कर्व उठ जाने चाहिए, तुम यहाँ कर्व लाए, इस लाइन पे जोड़ा और इसे थोड़ा फ्लैट कर दिया, बहुत आगे मत ले जाना, ठीक है, फ्लैट कर दिया, ये कर्व लाए और सीधा इस पॉइंट पे ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा यू शेप सा आएगा ये, इस तरीके से, ओके, ये हल्का सा नीचे आएगा, उल्टा वी शेप बनाना है ना अपन को, इस तरीके से आएगा, आप नोज की बेस से नहीं आ रहा है एकदम, थोड़ा ऊपर से आ रहा है, नोस्ट्रिल का जो कवर है एकदम नोज की बेस से नहीं आ रहा है, तो उसके थोड़े ऊपर से आ रहा है, लाइन तुम्हें दिख रही है, ठीक है, ये कहाँ आके रुक रहा है, उसका मेजरमेंट लो, ये आ रहा है 0.35 सेंटीमीटर पे, ओके, 0.35 सेंटीमीटर कितना हुआ, इधर पे हुआ, तो एक कर्व करके लाना, आप अपने मन से कर्व नहीं बना लेना कुछ भी, तुम देख सकते हो यहाँ तक गया और यहाँ से कर्व होके आया, तो यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से कर्व होके आया ये, ओके, ये थोड़ा और पॉइंटेड होना चाहिए, इसे थोड़ा और पॉइंटेड करता हूँ मैं, रुको, इस तरीके से ऊपर गया और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आ गया, ओके, फिर इससे टच करते हुए ये गया इसका नॉस्ट्रिल, अब ये वाला आएगा, तो ये वाला देखो, ये नीचे की तरफ से कर्व आया और ये ऊपर चला गया, तो इसको ज्यादा नहीं बनाना होगा, इसमें सिर्फ एक कर्व ऐड करना है तुम्हें, ओके, अब आता है मेन पार्ट, बहुत अच्छे से ध्यान दो, ये जो कर्व दिखता है, अपन ने नोज की प्रैक्टिस करी थी उसमें अंदर एक सर्किल बनाया था, तो ये सर्किल वही है, इसका मेजरमेंट लोगे तो ये आएगा 0.6 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ कहीं आएगा, ये दिख रही ना शेड वाला पोर्शन, तुम्हें भी इस तरीके से करना है, ठीक है, इस तरीके से कर्व करते हुए शेड करते हुए लाना है, ये पोर्शन जो है ये तुम्हें हल्के से शेड करते हुए लाना है, ओके, शेड करते हुए लाना है अंदर और फिर ये ऊपर की तरफ ले जाना है, ये दिख रहा व्हाइट पोर्शन, ये है 0.9 सेंटीमीटर, ओके, इस तरीके से धीरे से हल्के से कर्व करते करते धीरे धीरे, बहुत ये एक बात बता रहा हूँ, नोज की स्टेम गलत कर दोगे, डार्क बना दिए, ठीक है, बहुत लाइटली बनाना है अपन को, इस तरीके से नोज बन जाती है, ठीक है, इतना बनाओ और जो गलतियां बताएं उनका ध्यान रखो। अब ध्यान दो क्या करना है, ये जो बाल आ रहे हैं यहाँ से, ये ऐसे आ रहे हैं नोज के घर होते हैं, ठीक है, पहले पेपर था ये, पेपर के ऊपर से ये बाल आ रहे हैं, ये हल्के हल्के जो बाल जा रहे हैं उस मैकेनिकल पेंसिल से ही बना लो, ठीक है, इस वाले रीजन में आ रहे हैं नोज को कवर करते हैं, ओके, ये बनाए। अब लिप्स पे आना है अपन को, लिप्स पे ध्यान दो, ये जो वी शेप है अपना,
वी शेप का एक पार्ट जो है वो इस लाइन से ऊपर है और एक इससे नीचे है, ठीक है, एक ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे है, ठीक है, और एक इस लाइन से ऊपर निकल रहा है। तो वो कितना ऊपर निकल रहा है वो देखना है अपन। वो निकल रहा है 1.3 पे और वापस आ रहा है 1.15 पे, ठीक है। तो 1.3 मैंने यहाँ मार्क किया, 1.15 यहाँ करा, तो देख सकते हो कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। मेजरमेंट लेने हैं, हवा में नहीं करना, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती कर दोगे अभी लिप्स टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो वी शेप ये आया अपना नॉर्मल, बहुत ज्यादा एकदम डीप मत कर देना और पॉइंटेड एकदम मत करना, ठीक है। ये वी शेप आया, सब कुछ नीचे की तरफ पॉइंट होना चाहिए। वी शेप आया, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और वापस नीचे की तरफ मुड़ गया, ठीक है, यहाँ से आ जाएगी। अब ये वाला पॉइंट है, इसको मुझे हवा में ढूंढना है, बीच में कहाँ पे है, इस लाइन से है कितना नीचे, इस लाइन से है 0.6 सेंटीमीटर नीचे और इस लाइन से 0.6 सेंटीमीटर लेफ्ट, 0.6 सेंटीमीटर लेफ्ट में मार्क करूं और 0.6 सेंटीमीटर डाउन में यहाँ मार्क करूं, तो मेरा जो लाइन है अब एकदम स्ट्रेट नहीं आएगा, हल्का सा कर्व है। मैंने क्या बोला, हल्का सा कर्व है, यहाँ गलती खा जाओगे, या तो स्ट्रेट बना दोगे या एकदम गोल सा बना दोगे, दोनों में से कुछ भी नीचे। अब इसके नीचे देखो एक कर्व सा शेप आ रहा है, ठीक है, फिर एक यू शेप आ रहा है, ये यू शेप दिख रहा, तो ये यू शेप जरा ध्यान दो इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ से ऐसे देख लो कितने नीचे है ये लाइन, ये लाइन कितने नीचे है, ये है 0.7 सेंटीमीटर नीचे, 0.7 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, तो ये यू शेप आ रहा है वो और नीचे आएगा 0.7 सेंटीमीटर नीचे और ये यहाँ हो गया, ठीक है, ये ऊपर की तरफ और ये यहाँ, ठीक है। अब बेस कितना, देखो बेस एक बार ध्यान रखना, अपन फ्लैट बेस बनाते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नीचे से कर्व्ड बेस है। पहले ये देखो इसकी लाइन कहाँ से निकल रही, यह है 0.3 सेंटीमीटर, ओके, हल्का सा बेस इस लाइन से ऊपर है। तुम्हें क्या करना है, पहले एक यू शेप सा बना दो, कर्व बना दो यहाँ पे, ठीक है। अब एक कर्व यहाँ ले जाके ऐसे ऊपर ज्वाइंट कर देना, ये कर्व यहाँ ले जाके ऐसे ज्वाइंट कर देना, मैं लगे कि गलत है तो डिस्टेंस देख लो, ऊपर से नीचे का आ रहा 1.1 सेंटीमीटर, मेरा आ रहा 1.1 सेंटीमीटर, सही है। ये जो हल्के हल्के कर्व दिख रहे हैं ना, ये वाले इस तरीके का, ये बना लो, क्योंकि ये डार्क होगा, ये जो बीच वाली लाइन है ये डार्क होती है थोड़ी लोअर लिप के साइड पे, तो इस तरीके से अपने आईज बोस लिप्स भी बन जाते हैं, ठीक है। इतना बनाओ, फिर हेयर्स का पोर्शन देखो जरा। अब यहाँ देखो बस इतना सा बाल, ये वाले जो जा रहे हैं ना चेहरे से निकलते हैं, जो चेहरे के बाल वाले हैं वो तो एक्स्ट्रा अलग से बाल में बनाएंगे, ठीक है। ये वाले जो है ये यहाँ से आए, देख लो अभी बस, ठीक है, ये यहाँ से आके जो लंबा से जा रहे हैं ना बाल, एक बना लो, बाकी सब उसकी सराउंडिंग में बन जाएंगे, क्योंकि अभी अपन ग्रिड इरेज कर देंगे, ठीक है। ग्रिड इरेज करना है, इसके बाद ग्रिड इरेज करना है, तो बाल का रेफरेंस होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, एंड में जाके इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़े ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में है, ओके। और यहाँ से जब बाल निकल ले, बना लो इतने, देखो ये इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि जब इरेज हो जाए बाल ग्रिड, तो फिर बाल इधर उधर ना भागे, लाइन में रहे। तो यहाँ से ये आया, यहाँ के मिला, यहाँ से ये आया, ऐसे कर्व होके ये शेप आ गया, फिर ये वाला जो शेप है ये कर्व होके आया इस तरीके से, ये थोड़े से यहाँ से ऐसे नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने बाल भी बन जाते हैं, ग्रिड इरेज कर लेना। तो यहाँ देखो अब अपन को हेयर्स बनाने हैं, तो ग्राफ इरेज करने बोला था, मैंने कर लिया हो, तो यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा घने नहीं करने बाल, ठीक है, ये सिर्फ हल्के आउटलाइन टाइप समझ लो, तो इन्हें इस तरीके से करो, मैकेनिकल पेंसिल की मदद से करो। तो यहाँ से जैसे बाल आ रहे हैं, यहाँ पे आके जो बाल हैं वो यहाँ आके रुक रहे हैं, तो एक फ्लो में लाने की कोशिश करो, हाथ बीच में कप कप आ रहे हैं अगर, तो बीच तक लाओ थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से लाओ, यहाँ थोड़ा पीछे पकड़ो और यहाँ लाओ, ओके, यहाँ ऐसे ले आए, तो जो मेजर मेजर थे उन्हें डार्क कर लिया अपन ने, ओके। अब इसके बाद जो जैसे यहाँ देखो, यहाँ बीच में मुश्किल से हैं, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से ऊपर लाए, यहाँ छोड़ दे, मैंने यहाँ छोड़ा, एक बार ध्यान रखना, ऐसे बीच में, क्या कहते हैं, बीच में नहीं छोड़ा और एकदम चेहरे पे लाके नहीं छोड़ा, इस तरीके से यहाँ पे आए, ये छोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ थोड़े घने हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है,
अब क्या करेंगे अपन, तो पेंसिल छोटी रखना अपनी मैकेनिकल की लीड, और इस तरीके से कर्व करते हुए बस यहाँ तक लाने अपन को, ऐसे छोड़ देना है। ये आ रहे हैं देखो, ये जो कर्व है इस तरीके से आ रहा है, ये बाल जा रहे हैं ना इधर, ये अपन ने बनाए थे, तो ये कर्व कैसे आएगा, यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर से आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो वैसे भी डार्क हेयर्स हैं, इस तरीके से धीरे धीरे आएगा ये। तो अब पूरा एक फ्लो में आएगा, तो ध्यान दो पूरा, यहाँ तक हो गया था अपना ये आगे का वाला पार्ट, ठीक है। अब ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं, तो पेंसिल को पीछे पकड़ो, ठीक है, इस तरीके से ये आए, यहाँ तक आ गए, ठीक है। पेपर के ऊपर मत लाना, वरना बाद में साफ करने में पेपर को ये जो अपने हैं उसमें और प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से आ रहा है ये, तो इसके बाद ऐसे पकड़ो, ये आए, और ऐसे फ्लो में लाना थोड़ा इन्हें, ओके, ये आए पेंसिल ऐसे पकड़ी, ये आए फ्लो में ऐसे, ठीक है, ये ऊपर की तरफ वाले आए फ्लो में ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे ऐसे हल्के हल्के। देखो बहुत ऐसे भरना नहीं है, आराम आराम से जितने दिख रहे हैं तुम्हें, इसमें अगर तुम्हें चार दिख रहे हैं तो तुम भी चार बनाओ, तुम्हें दो दिख रहे हैं तुम दो बनाओ, ठीक है, थोड़ा अपने हिसाब से भी करो, इतना आता है तुम लोग को कि आराम से कर लोगे, ये बहुत आसान है तुम लोग के लिए। अभी जैसे ये आया, ये डार्क दिख रहा मुझे, तो मैं इसको पास थोड़ा प्रेशर के साथ बनाया, ठीक है। इसके ऊपर वाला ये है जो आगे की तरफ जा रहा, ये यहाँ तक डार्क था और यहाँ नीचे से डार्क है, ठीक है। अब ये पेपर का जो पीस है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आ रहा इस तरीके से, तो ये देखो एक फ्लो बना दिया मैंने। अब मुझे इस फ्लो के अंदर बाल भरने हैं, ये आउटलाइन टाइप समझ लो बालों की, तो मैंने वो आउटलाइन बना दी जो फ्लो आना चाहिए बालों का, ठीक है। अब मुझे उसके अंदर फिल करना है, तो एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि कहाँ क्या ड्रॉ करा है, ये पेपर है और यहाँ पे बाल आएंगे, तो इस तरीके से भरना बहुत नहीं, यहाँ बाल दिख रहे हैं तो यहाँ भर बाल बना दिए इस तरीके से, यहाँ बाल देखना नीचे की तरफ आ रहे थोड़े, ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हैं बाल, करो इतना, ठीक है। उसके बाद क्या होता, नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब ये जो वाले, ये तो ऊपर छूट गए थे, ठीक है, ये वाले छूट गए थे, अब यहाँ ऐसे पकड़ो, ठीक है, ये फ्लो तुम लोग को पता ही है, यहाँ पे ऐसे ले आओ, ठीक है, ये आ गए कर्व, थोड़े ऊपर की तरफ आ गए कर्व, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमा लो थोड़ा, तुम लोग राइट हैंड लोग, राइट हैंड ही इसको क्या रहता है, एक फ्लो ऐसे में आना आसान रहता है, रेदर देन ऐसे ऊपर पकड़ के, लेफ्ट वालों को आराम से हो जाता, तो तुम लोग राइट हैंड ही हो अगर, तो यहाँ से ऐसे लाओ एक फ्लो, पेपर पे नहीं लाना है, ठीक है। अब ये बाहर आ गए, तो यहाँ पे ऐसे कम ही रखो, बहुत ज़्यादा नहीं ला रहा मैं, भर नहीं रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाला फ्लो आ गया। अब सीधा कर लो दोबारा इस तरीके से, नीचे की तरफ ले आओ फ्लो, यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे कम है बाल, ठीक है, ऊपर तक थे, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाएंगे बाल, तो तुम यहाँ से यहाँ लाए, ये कम हो गए बाल यहाँ पे। अब यहाँ देखना, ये जो कर्व बनाए थे ये इस तरीके से कर्व रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से कर्व रहेंगे,
फिर ये जो है यहाँ से ऐसे थोड़ा उठाओ, एकदम मत ले आना स्ट्रेट लाइन, थोड़ा उठाओ ऐसे जैसे ये उठा हुआ है ना, इसके फुटस्टेप फॉलो करो। फिर उठा हुआ है, उठा के नीचे ले आओ, ठीक है, उठाया है, उठा के नीचे ले आओ। ये उठाए थोड़े, उठा के नीचे ले आओ। मैंने क्या बोला, इसमें अपन को बहुत घने नहीं बनाने बाल, ठीक है, बस इस तरीके से अपना काम हो जाएगा। वो जो 2B वाली पेंसिल का हिसाब है वो बाद में आएगा, एक साथ डालेंगे। फिर ये जो है, अब ये ऐसे थोड़े कर्व, ये ऊपर से नीचे आ गए, अब इन्हें थोड़ा ऐसे कर्व करके ऊपर ले जाओ ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे ले आओ। बहुत घने मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो बाहर की तरफ भग रहे हैं ना, उन्हें अभी बाद में बनाते, पहले अंदर वाले जो हैं, ठीक है, अंदर वाले दोबारा बना लो, मतलब दोबारा कह रहा, अच्छे से बना लो इस तरीके से। जो डार्क दिख रहे हैं उन्हें की परेशानी नहीं है, उन्हें अपन दोबारा हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। अभी इस तरीके से कर्व जो जा रहे हैं बाहर की तरफ, इस तरीके से बाहर देखो, हाथ जो है बाहर के कर्व बनाते हुए ऐसे फ्रीली जाना चाहिए। अब तुम गलती क्या करोगे, एक एक बार ऐसे ले जाओगे तो वो बहुत गंदा लगेगा, लिख के ले लो, बहुत गंदा लगेगा वो जो तुम एक बार ऐसे ऐसे एक करके बहुत धीरे धीरे, ये तुम्हारा फ्लो आ रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा ना तुम्हें, ये तुम्हारा फ्लो है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ये तुम्हारा फ्लो है, तो तुम्हारा ये फ्लो आना चाहिए हेयर बनाते समय, ठीक है। ये जो सिंपल हेयर होगा या रियलिस्टिक होगा या सेमी रियलिस्टिक होगा, कुछ भी हेयर्स बनाओ, हेयर फ्लो में आने चाहिए, क्योंकि तुम अगर एक एक बाल ऐसे जो बनाते हैं ना धीरे धीरे, वो बियर्ड के सही रहते हैं, ठीक है, दाढ़ी मूछों के सही रहते हैं, आईब्राउज के सही रहते हैं, बाल जो आ रही है फ्लो होना चाहिए, ठीक है। जब तक तुम्हें किसी टकले व्यक्ति का नहीं बना रहे हो जिसके बाल पे सर पे छोटे छोटे बाल हैं, तब तक, अगर तुम लड़की का बना रहे हो जिसके बाल एकदम लंबे हैं, तो तुम्हें हाथ भी फ्लो में आना चाहिए, क्योंकि तुमने अगर फ्लो ब्रेक करा तो जो बीच में यहाँ जो ऐसे जंक्शन आता है ना कि यहाँ बाल आ रहे हो यहाँ से अलग जा रहे हो, वो बहुत गंदा लगता है, ठीक है। इसमें ऐसे बीच में थोड़े कर्व डालेंगे अपन, थोड़े, मेरी बात सुनना, थोड़े बोल रहा हूँ मैं, इस तरीके से यहाँ से। अब यहाँ से नीचे की तरफ आए, अपन ने इतना हिस्सा खाली छोड़ दिया था, सिर्फ ये बना दिया था, तो इसमें क्या करना था अपन को, मेजर मेजर जो कर्व दिख रहा है पहले, ठीक है, जैसे ये आ गए ऐसे शोल्डर पे जा रहे, यहाँ से ऐसे कर्व आ गए, ये एक आध तो ऐसे बाहर। अब देखना मेरा हाथ कैसे चल रहा है, ऐसे फ्रीली चल रहा है, मुझे बाल दिख रहा है, मैं उसकी कॉपी मार दे रहा हूँ, ऐसे मेरा हाथ जो है अपने आप भग रहा है उसको देख के, ठीक है। अच्छा पहले तो अब देखो जैसे ये है, अब चेहरे के पास आ जाओ, जरा चेहरे के पास आ जाओ, तो सबसे पहले ये देखो, ये जो कर्व है ये यहाँ से देखे यहाँ गया, अंदर हेयर्स आएंगे, ठीक है, ये वाला जो कर्व है इस तरीके से आया, यहां से कर्व है ये आया, ठीक है, फिर यहां से कर्व आ रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो कर्व है तुम्हें, तुम्हें एक एक कर्व पकड़ लो, जैसे ब्लैक जो डार्क तुम्हें दिख रहा है, जैसे यहां से यहां आ गया, ये वाला देखो पूरा नीचे आ रहा है ऐसे कर्व करते हुए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो है, जैसे पकड़ लिया मैंने ये, अब इसके बाद जो ऐसे थोड़े हल्के हल्के आ रहे हैं, ठीक है, अब ये एक थोड़ा डार्क वाला है तो इस तरीके से आ गया, ये यहाँ वाला है, ये यहाँ वाला देखो बीच में से आ रहा है, कैसे आ रहा, नीचे से स्टार्ट करो और ऊपर ले जाते जाते लाइट कर दो। ये अभी मैं रैंडम से नहीं बना रहा, मैं का जो डार्क डार्क है ना वो पकड़ रहा हूँ। अब मुझे फ्लो मिल गया, एक रफ आइडिया हो गया मुझे फ्लो का, नीचे की तरफ तो ऐसे ये बिखरते जा रहे हैं, नीचे वाले बाद में, पहले ऊपर वाले। तो ऊपर वाले अब देखना, राइट साइड में क्या था, इधर से स्टार्ट हुआ एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में भी एंड हो जा रहा है, जैसे ये है, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से आए बीच में, ये इधर पे आ गए फ्लो में इस तरीके से, यहाँ पे उतने घने नहीं है, ठीक है, जितने राइट साइड थे, इधर पे कम बना सकते हो, लेकिन ये कम बनाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी रैंडम लाइन नहीं खींचना है, मैं बोल रहा हूँ लाइन नहीं खींचना है, कर्व बनाना है, ठीक है। यहाँ से ये आ रहा चेहरे के पास, ज़रा ध्यान देना चेहरे के पास आराम आराम से आने चाहिए, वरना चेहरे के अंदर चला गया तो फिर गड़बड़ है, चेहरे से बचा के रखो। इस तरीके से कर्व आ रहा है, ये वाला कर्व यहाँ आ रहा शोल्डर पे इस तरीके से, ठीक है। अभी थोड़े मैसी से लग रहे हैं, मैसी से हेयर है इसके, ये मत सोचना कि गंदे लग रहे हैं, मैसी हेयर हैं इसके,
ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा अपन नीचे वाले पार्ट में, ये तो क्या था, कम बाल वाले पार्ट थे। अब यहाँ देखो, ऐसे ये है, यहाँ रैंडमली ऐसे आ गए, तो ये आ जाने दो, थोड़े अपने मन से भी बना दो, इस तरीके से आ गए, थोड़े एक दूसरे को क्रॉस करते हुए यहाँ पे ज़्यादा से, ठीक है, आराम आराम से। तुम अपने पास एक आइडिया रखो कि कैसे बनाना है, नीचे वाले बाल अलग बनेंगे थोड़े, जैसे ये कर्व आ रहा, मैंने इसे पकड़ लिया, थोड़ा रैंडम सा भग गया ये। अभी ये 2V से होंगे, ठीक है, लेकिन पहले इन्हें एक HV से हल्का सा हल्का बना दो आराम आराम से। ठीक है, अभी थोड़ा पार्ट और बचता है, जैसे ये है, अब क्या बचता है जरा देखना, ये पूरा एक फ्लो में बनाना है तुम लोग को भी। ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये कैसे आएगा, जैसे क्रॉस हैचिंग करते हैं ना अपन, वैसे मैं वर्टिकल में आने चाहिए, जैसे ये बाल का ये स्ट्रोक आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हें अब क्या करना है, इसे वर्टिकल ही कर दो ऐसे यहाँ पे। अब ये जो है तुम ऐसे वर्टिकली नहीं कर सकते हो इसे, क्योंकि कर्व्ड है, तुम्हें क्या करना, नीचे से ऊपर से नीचे ले जाओ। मैंने जो हेयर्स की प्रैक्टिस कराई थी उसमें इसी तरीके से कराया था मैंने, बस एक चीज ध्यान रखना, आराम आराम से करना है, ठीक है, बीच में हल्का हल्का गैप छोड़ना, तो मैं रेफरेंस में बीच में हल्का सा गैप छूटा हुआ है, तो मैं भी वही छोड़ना है। अभी HB को थोड़ा डार्कली यूज करो मैकेनिकल पेंसिल को, क्योंकि इसके बाद 2B भी करेंगे इसके ऊपर, और ऐसे बहुत गंदे कर्व नहीं बनाना, अच्छे से करना, आराम से कर लोगे तुम लोग, ओके। अब 2B आता है, तो 2B जैसे इसमें किया था, गंदे तरीके से नहीं करना प्लीज, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करते, तो ऊपर देखो एक बाल ये गया ऐसे, ये डार्क दिख रहा ऐसे, तो वो जो फ्री हैंड जो जाता है ना, हाथ फ्रीली भाग रहा है, उसका कॉन्सेप्ट समझो। बालों को ऐसे एकदम एक एक बाल ऐसे बनावटी बनाने की जगह तुम्हारा हाथ बाल देख के अपने आप चलना चाहिए। जैसे ये कर्व है, ये चला गया, ये डार्क दिख रहा, ये कर्व चला गया, ये थोड़ा आगे से चला गया, ये जो डार्क बाल दिख रहा है एक आध चला गया। बहुत डार्क नहीं चाहिए, बहुत लाइट नहीं चाहिए, 2B को उसके मीडियम पे यूज़ करो। अब देखो जैसे यहाँ पे है जो चेहरे के पास वाले बाल हैं, ठीक है, ये जो अपन ने स्टार्टिंग में बनाए थे ना कि आउटलाइन देख ली, जो अंदर फ्लो वाले बाल हैं, मेजर मेजर बाल हैं, ये वो आ गए अब, ठीक है। जैसे ये है, ये जा रहा है एक चेहरे के पास से, ये जा रहा नीचे चेहरे के नीचे से, ये इसकी आउटलाइन है, ठीक है। ये बाल जा रहा रेंडमली यहाँ पे, ये बाल आ रहा नीचे, एक बीच में छूट गया और एक नीचे आ गया, ये थोड़े ऊपर की तरफ भाग रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक वहाँ, ठीक है। इस तरीके से बीच में रेंडमली जो बाल है वो आ जाने चाहिए। जैसे ये एरिया मुझे खाली लग रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा, भले ही उसमें खाली है लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं अपने मन से उसे उसमें थोड़े और बाल डाल दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा खुद की क्रिएटिविटी भी यूज़ करो, तुम्हें जो थोड़ा पोर्शन अच्छा नहीं लग रहा उसमें खुद की तरफ से डाल दो बाल। जैसे ये है, तो यहाँ यहाँ मुझे पता है थोड़े नीचे नीचे की तरफ ऐसे शेडिंग हैचिंग चल रही है, क्योंकि ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक हैचिंग वाले पार्ट में, एक रियलिस्टिक वाले पार्ट में, और एक हाइपर रियलिस्टिक वाले पार्ट, सेमी रियलिस्टिक पार्ट में, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो नीचे के बाल आ जाते हैं, तो नीचे के बाल थोड़े और घने कर दो, देख सकते हो HB वाले बाल अलग अलग जा रहे हैं, बस एक दूसरे में गंदे नहीं लगने चाहिए, ठीक है। थोड़े इस तरीके से शोल्डर पे बह के ऐसे लहरें जा रही है ना बालों की, बस वो इतना काफ़ी है, ओके। अब डायरेक्ट जो है, ये जो है, अब डार्क करो इन्हें, ये है, ये डार्क किया, ये जा रहा है एक, इसे डार्क किया, जो शोल्डर है ये आउटलाइन जो है उसे डार्क करो, नेक की आउटलाइन डार्क करो, कॉलर बोन की आउटलाइन डार्क करो, और बहुत सारे बाल ऐसे डार्क नहीं करने, इससे कर दो हल्के हल्के, एक आध तो इसमें डाल दो, एक आध तो इसमें डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाते हैं अपने बाल। ये वाले पार्ट में हल्का हल्का ब्रश चला लो, एक काम करो, पूरे बालों में ऐसे फ्लो लाओ ब्रश का, 4-5 बार से ज़्यादा मत करना ब्रश, पूरा ब्लेंड हो जाएगा वरना, ठीक है, इतना कर लो, क्योंकि आज के लिए इतना ठीक है, ओके। इतना बना लो, इतना बना के मुझे दिखा दो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।